वेल दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं एक बेहद ही खास खबर को लेकर। आज के खास खबर में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में मोस्ट स्टाइलिश बहू का टैग अपने नाम पर कर चुकी सुरभि चंदना के बारे में। सुरभि चंदना नागिन सीजन 5 में बानी के किरदार में नजर आ रही है, हर एक दिलों में पूरी तरह से छुरियां चला रही है और काफी पॉपुलर है, काफी दंदौलत है इनके पास। लेकिन इनका जो सफर रहा है टेलीविजन इंडस्ट्री में वो काफी मुश्किल भरा रहा है और आज के खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं सुरभि चंदना की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलू के बारे में बताने वाले हैं जिसे आप सभी दर्शक नहीं जानते होंगे। आज के इस खास खबर में यही पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम आप सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि सुरभि चंदना का जो जन्म है 11 सितंबर 1989 को दिल्ली शहर में हुआ और साथ ही साथ दिल्ली शहर में हुआ, लेकिन उनके माता पिता जो हैं पंजाबी थे और साथ ही साथ बिजनेस किया करते थे और साथ ही साथ इसी के चलते वो मुंबई शिफ्ट हो गए। और सुरभि चंदना का जन्म भले ही दिल्ली में हुआ हो, लेकिन उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, उनका जो प्रारंभिक एजुकेशन है, वो सारा का सारा मुंबई में हुआ और मुंबई में पूरी तरह से सेटल डाउन थी। और साथ ही साथ आप सभी दर्शक नहीं जानते होंगे कि सुरभि चंदना जो हैं वो एक नृत्य डांसर भी हैं। भरतनाट्यम में उन्होंने डांस की ट्रेनिंग भी ली है। स्टार्टिंग में वो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, स्टार्टिंग में वो एक डांसर बनना चाहती थी, लेकिन स्टार्टिंग में वो ना ही डांसर बन पाई ना ही वो एक्ट्रेस बन पाई। और साथ ही साथ वो स्टार्टिंग में उनका जो करियर स्टार्ट हुआ वो कमर्शियल एड के थ्रू हुआ। जी हां, कई सारे कमर्शियल एड में दिखाई देने लगी सुरभि चंदना और साथ ही साथ कई सारे एक्ट्रेस के साथ काम भी कर चुकी हैं, लेकिन वो पर्दे के सामने नहीं की हैं बल्कि पर्दे के पीछे काम कर चुकी हैं। बैकग्राउंड डांसर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं सुरभि चंदना और साथ ही साथ बहुत सारे कमर्शियल एड में काम करने के साथ साथ इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट होने के बाद इनका जो एजुकेशन है, कॉलेज लेवल का जो एजुकेशन है, उसमें इन्होंने MBA का डिग्री अपने नाम पर कर लिया और साथ ही साथ इसी वजह से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में अच्छी तरह से जानती थी सुरभि चंदना। और एक दिन जो है मार्केटिंग फील्ड में काम कर रही थी और साथ ही साथ कमर्शियल एड के मार्केटिंग फील्ड में काम कर रही थी और एक दिन जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि एक पॉपुलर सीरियल है, उस सीरियल के मार्केटिंग का जो जोन है उसे संभाल रही थी सुरभि चंदना और साथ ही साथ मिस्टर मोदी की नज़र पड़ गई एक दिन सुरभि चंदना पर और साथ ही साथ मिस्टर मोदी ये कहने लगे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक छोटा सा रोल है, उस रोल को क्या आप करना चाहोगे सुरभि चंदना? पहले तो सुरभि चंदना ने यह कह के मना कर दिया कि वो एक्टिंग में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखती है, कोई भी रुचि नहीं रखती है, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जिस रोल को दूसरी एक्ट्रेस निभाना चाहती थी वो एक्ट्रेस अवेलेबल नहीं थी और वो नहीं आ पाई और इसी वजह से सुरभि चंदना को मिस्टर मोदी ने जबरदस्ती साइन करा लिया और साथ ही साथ वो खुशी वो एक अलग एक्सपीरियंस उन्हें होगा करके इस तरह से वो एक्ट्रेस पहला जो उनका जो एक्टिंग था वो उन्होंने ऐसे ही कर लिया, ऐवे ही कर दिया। और साथ ही साथ वो गुल खान के साथ भी इनके अच्छे रिश्ते थे तो गुल खान ने फिर से इन्हें ऑफर दिया। गुल खान ने अपने हिट धारावाहिक कबूल है में सुरभि ज्योति के साथ सुरभि ज्योति की बेस्ट फ्रेंड का रोल दे दिया। इसके बाद सुरभि ज्योति के साथ काम करने का मौका जो था सुरभि चंदना के पास, उन्हें खुले तौर पर लिया सुरभि चंदना ने और साथ ही साथ गुल खान के साथ काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी सुरभि चंदना और इसी वजह से उन्होंने अपनी हामी भर दी और इसी तरह से उन्हें रोल मिल गया सुरभि ज्योति के साथ गुल खान के साथ काम करने का। इसके बाद गुल खान ने एक और शो में लीड किरदार का ऑफर दिया था और वो शो था इश्कबाज में अनिका का किरदार से हर घर की चहेती बहू बन गई और साथ ही साथ इसी किरदार के जरिए ये मोस्ट स्टाइलिश बहू का टैग जो है अपने नाम पर कर चुकी हैं। और साथ ही साथ अगर आप सोचते हैं कि सुरभि चंदना सिंगल है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि करण शर्मा को वो डेट कर रही हैं और इसके बाद नागिन सीजन 5 में इन्हें बानी बनने का सुनहरा मौका दिया गया।